स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो इस रिएक्शंस को हमने लिखा है समराइज किया है यहां पे इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो अगर हम इस रिएक्शंस को देख लें तो इस रिएक्शन से हमें अंदाजा हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है इसमें आप लोग जो है देख सकते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन यूज हुआ है, सो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड ने प्रोवाइड किया। ग्लूकोज में ऑक्सीजन पाया जाता है, ये ऑक्सीजन जो है ये किसने प्रोवाइड किया, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिक रोल जो है फोटोसिंथेसिस में ये है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए। दूसरी बात इसमें याद रखें कि कार्बन क्यों, क्योंकि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो है उसका बैकबोन होता है। ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इसमें कार्बन जो है उसका बैकबोन होता है। सो कार्बन क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो कीटेनेशन का है। कीटेनेशन क्या चीज है, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक लॉन्ग चेन बना सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा एलिमेंट नहीं है कि उससे एक लॉन्ग चेन बनाए। ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला नजर आ रहा है, इसको डी ग्लूकोज कहते हैं या डेक्सट्रोरोटेटरी या एल्फो ग्लूकोज कहते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, इसको ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट भी कर सकती है। इस तरह ग्लूकोज मटेरियल जो है वो बनता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में असल जो है वो डार्क रिएक्शन या डार्क साइकिल में इसको यूटिलाइज किया जाता है। सो याद रखें रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कार्बन एंड ऑक्सीजन टू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन ग्लूकोज ड्यूरिंग डार्क साइकिल, इसको फिक्स किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में इंटर गैस होता है। प्लांट्स की जो लीफ है, लीफ में एक खास पोर्स पाया जाता है, उन्हीं पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। और ये स्टोमेटा जो है असल में एक ग्रीक वर्ड से निकला है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहते हैं माउथ। So that's considered to be the mouth of the plant body. इसके जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर होता है, वहां से वो मेसोफिल सेल में जाता है, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस होता है, वहां पे इसको यूज किया जाता है, डार्क रिएक्शन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंटरिंग टू द प्लांट बॉडी थ्रू स्टोमेटा, जो कि ग्रीक वर्ड है स्टोमा, माउथ को कहते हैं। सो दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस डार्क साइकिल के अंदर जो है इसको रिड्यूस किया जाता है और इसको ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज द रॉ मटेरियल आर रिएक्टेड अपॉन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और स्टोमेटा बना होता है दो गार्ड सेल से। अगर हम अब प्लांट्स की बात करें तो डाइकॉट प्लांट्स के अंदर जो है ये किडनी शेप होता है, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर ये किडनी शेप होता है या इसको बीन शेप भी होता है, बीन शेप भी कहते हैं या किडनी शेप कहते हैं। एक बार जैसे प्लांट्स है इसको हम मोनोकॉट कहते हैं, सो मोनोकॉट के अंदर जो है ये डंबबेल शेप होता है, ये जो है ये डंबबेल शेप होता है। सो ये इसकी स्ट्रक्चर्स की बात हुई। दूसरी बात ये कि स्टोमेटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसके जरिए से एंटर हो सकता है, इसके जरिए ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं और इसके जरिए से वाटर ट्रांसपायरेशन होती है। 90% ट्रांसपायरेशन जो है वो इसी स्टोमेटा के जरिए से होती है।